माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मेरे पास में आज एक मोबाइल आया जियो का अप 220B। इसको मैंने पहले ही ओपन कर रखा है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी आपको प्रॉब्लम बताते हैं। जब हम इसको चार्ज पर लगाते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है पावर की दबाते ही, और ऑन भी नहीं हो रहा ये मोबाइल। और अब मैं एक बार इसको बैटरी लगा के देख लेते हैं, ऑन होता है नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा। इस वीडियो से आपको जियो मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर हम बैटरी लगा के पावर ऑन करते हैं जब भी ये दिक्कत आ रही है, इसको ऑन भी नहीं हो रहा है, ये मोबाइल डेड है। चलो अब हम एक बार बैटरी चेंज करके और देख लेते हैं कहीं बैटरी डेड तो ना है। आप देख पा रहे हो दूसरी बैटरी न्यू बैटरी से भी ऐसे ही कर रहा है मोबाइल। तो इसका हम कैसे समाधान करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे। दोस्तों शॉर्टिंग चेक करना तो आपका आता ही होगा, मैं आपको इतनी डीपली से नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख पा रहे हो ये मोबाइल ऑफ शॉट मोबाइल है। ये देखो आप, ऑफ शॉट मोबाइल है ये। मीटर को साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं मोबाइल वाटर डैमेज तो नहीं, एक बार हम बोर्ड को अच्छी तरह से देख लेंगे कहीं पानी तो नहीं है। अब सबसे पहले हम इसके पत्ते को उतारेंगे। इसको उतारने के बाद में हम इस प्लेट को हटाएंगे, ओपन करेंगे हम। बिल्कुल ध्यान से काम करना दोस्तों। आप देख पा रहे हो दोस्तों ये मोबाइल वाटर डैमेज लग रहा था, तो आप देख पा रहे हो कितनी डस्ट जमी हुई इसके अंदर, और कौन सी आईसी के अंदर पानी नज़र आ रहा है मैं आपको ये भी दिखा दूं। दोस्तों मेरे को यहाँ पे हल्का सा पानी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आप जिस भी थिनर पेट्रोल आईपी जिससे भी क्लीन करते हो अच्छी तरह इसको बोर्ड को क्लीन कर लेंगे हम अच्छी तरीके से। अच्छी तरह वाश करना है दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, बीबी अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऐसे ही इस चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहेगी। आपको बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना दोस्तों। क्लीन करने के बाद में मैंने जिस आईसी पे आपको पानी बताया था उस आईसी को हल्का सा पेस्ट लगा के और हमें हल्की सी हिला देना है और कंप्लीट बोर्ड को हीट कर देना है अपने हिसाब से। एयर को रखे, एयर हीट को रखे, हीट करना है दोस्तों अपने हिसाब से, कहीं आप बोर्ड का काम ही तमाम कर दो ज़्यादा हीट करने से। आईसी फूल सकती है आपको पता ही है, और मोबाइल वैसे ही वाटर डैमेज है। हम इस आईसी को हल्का सा हिला देते हैं, हल्का से हिलाना है दोस्तों, नीचे बोल भी एक ना हो। अब हम बोर्ड को थोड़ा दो चार मिनट बोर्ड को थोड़ा हल्का ठंडा होने देते हैं। आपको गर्म बोर्ड पे कभी भी चेक नहीं करना है दोस्तों। ये वाली आईसी है जो मैंने हल्का सी लाया था। अब हम एक बार चेक करेंगे बैटरी लगा के, देखते हैं हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हो दोस्तों प्रॉब्लम सेम है, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ इसका और ऑन भी नहीं हो रहा है। तो हम स्टेप नंबर टू में चलते हैं। ये हमारा स्टेप वन था। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमें सील को हटा लेना है। इनको सील दिख रही है, इसको हटा लेना है क्योंकि मैं अच्छे से पता नहीं चल रहा कहीं कोई कंपेस्टर वगैरह शॉर्ट हो। आप इसको एसएमडी से भी हटा सकते हैं और बिल्कुल ध्यान से नीचे से मतलब प्रिंट भी आ सकते हैं साथ में। मैं अपने एक्सपीरियंस से काम कर रहा हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से काम करें।
और आप आसानी से इसको SMD से हीट करके भी हिला सकते हैं। तो मैं इसके साथ में एक दो कंपोनेंट है वो भी मेरे को बोटर डेमी से लग रहे हैं। तो दोस्तों स्टेप टू में क्या करना है, हमें इस IC को उतार देंगे, फिर देखते हैं इसका समाधान होता है नहीं होता है। उतार के साइड कर देते हैं इस IC को। ये मैंने इस IC को उतार दिया है। इसके बाद हम बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, इससे भी दोस्तों हमारा समाधान नहीं हुआ है इस प्रोसेस से भी। तो दोस्तों मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है, वो मैंने IC वापस लगा दी है। अब हम क्या करना है दोस्तों, पावर को हीट करना है। पावर को हीट करके हल्का सा हिला डुला देना है। इससे भी नहीं होता है दोस्तों, हमें आपको पावर IC चेंज करके दिखाएंगे या रिबोल करके भी दिखाएंगे। हम इस हल्का सा हिला देंगे पावर IC को। तो दोस्तों मैंने IC को हल्की सी हिला दी है। अब हम इस स्टेप से चेक करेंगे, इससे नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको रिबोल करके दिखाऊंगा। और रिबोल करने से नहीं होगा दोस्तों, आपका 100% पावर IC चेंज करने से 100% हो जाएगा। बोर्ड हमारा ठंडा हो गया, अब हम चेक करते हैं इसको। पहले तो हम इसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ मीटर सामने रख के। दोस्तों IC क्या है, हमारी चार्जिंग के अंदर वर्क करती है। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारी शॉर्टिंग तो चली गई है यहाँ से। अब हम बोर्ड को ऑन करके देखते हैं, होता है नहीं होता है ऑन। बोर्ड ठंडा हो गया हमारा। अब हम बैटरी लगाएंगे, आप देख पा रहे हैं उसकी लाइट तो ऑन होनी बंद हो गई है। अब हम इसको ऑन करके भी देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा मोबाइल ऑन भी हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।